कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 39 की स्थिति खराब होने को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शव यात्रा निकाली और मुंडन कराया। वहीं भाजपा विधायक ने इनके प्रदर्शन को दिखावा बताया। युवा कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन सिंगरौली में हुआ, जहां सड़कों पर दर्जनों कांग्रेसी हाथ में झंडा लेकर निकले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से लेकर माजन मोड़ तक शव यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि अपने आप को सिंगरौली की बेटी कहने वाली सांसद रीति पाठक जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर जब भी उनसे मांग की जाती है तो वो आश्वासन का पुलिंदा पकड़ा देती हैं, लेकिन काम शून्य के बराबर है। NH 39 सीधी सिंगरौली सड़क की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा, 10 वर्षों से सड़क का निर्माण न होना और इनके मंत्रियों के द्वारा, इनके सांसद महोदया के द्वारा यह कहा गया था कि 31 मार्च तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक वो सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उक्त सड़क को लेकर के माह सितंबर में मेरे द्वारा 110 किलोमीटर पद यात्रा करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। सड़क न बनने के कारण कल हम सब कांग्रेसियों के द्वारा सरकार की शव यात्रा और उक्त सड़क की शव यात्रा अंबेडकर चौक से लेकर के कलेक्ट्रेट तक लाया गया। आज करीब 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और NH 39 सीडीओ सिंगरौली का निर्माण 2013 में हुआ था। एक साल में जितनी रोड बनी थी, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई, तब से आज तक 2 किलोमीटर रोड बन पाई है। 2013 से 14 तक जो रोड बनी थी वो बड़ी थोड़ी बहुत बनी है और आप देख रहे हैं 100 किलोमीटर की दूरी है। 10 साल हो गए और रोड हमारी नहीं बन पाई है और सीधी सिंगरौली की सड़क न बनने के कारण हमारा सीधी सिंगरौली का आवागमन बंद हो जाता है। अभी बारिश हुआ है, आप देख लीजिए छोटी जनता की क्या सड़क की क्या दुर्दशा हो गई है। सड़क अभी कल मैंने वीडियो में देखा था, बसें जा रही थी, बस नहीं जा पा रही थी। और अभी संसद जी ने सवाल किया था कि दीदी हमारी सीधी सिंगरौली रोड कब बनेगी, हमारी संसद जी ने मेरे भी कितना FIR करवाया था, जेल भेजने काम किया था, लेकिन इसी विरोध में, सरकार के विरोध में, सरकार का शव यात्रा निकाल का अपने संसद के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में, सरकार के विरोध में आज हमने कलेक्ट्रेट में सर मुड़वाने का काम किया हूँ। मैं सरकार का विरोध प्रदर्शन किया हूँ कि संसद के मध्य रोड नहीं बन पाएगी, ये संसद से जेल भेजने का काम करती है सरकार, जो है जेल भेजने का काम करती है सवाल पूछने पर। भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को सिंगरौली का विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ NH 39 दिखती है। कांग्रेस पार्टी का अपने आप को उनको देखा नहीं कभी कि मैं अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, क्या नहीं कर पाया। सिंगरौली की बात आज करें हम तो 39 के ही बात ये करते हैं, बाकी जो काम कभी इन्होंने सपना में नहीं ताका होगा वो भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये कह देंगे, हो क्यों रहा है। जिला ड्रामा सेंटर इतना बड़ा बना, आप जाके देखिए यार, मैं वही कह रहा हूँ। कन्या महाविद्यालय कॉलेज का क्या स्थिति थी, वो कॉलेज के आज देखे आप। कभी तुमको शर्म लगनी चाहिए कांग्रेस के साथियों को, भाई तुमने तब यहाँ तो 100 निकाले और नहीं काम हुआ, जहाँ काम हुआ उसके लिए भाजपा को बधाई क्यों नहीं दिए, ये सरकार को क्यों नहीं बधाई दिए। यह मानसिकता तुम्हारी है कि सिर्फ यह कहते हो कि 2013 में सड़क शुरुआत हुई, मनमोहन सिंह की सरकार थी, केंद्र ने पैसा नहीं दिया, सही समय से उसका काम संचालन नहीं हुआ, इसका कारण यही हुआ, और ठेकेदार कांग्रेसी दिला के काम नहीं किए, इसलिए बदनाम भाजपा करते। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।